तो दोस्तों मैं पहली बार बाइक चला रहा हूँ कसम से। तो शुरू में तो डर लग रहा था, अभी ट्राई इससे पहले मैंने किया था और अभी हामिद ब्लॉग बना रहा है मेरा। हामिद पहली बार। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो अभी वक्त हो चुका है जुमे की नमाज़ के लिए, तो मैं रेडी भी हूँ और मैं अभी जा रहा हूँ जुमे की नमाज़ पढ़ने। तो चलते हैं और मस्जिद उमर इब्ने खताब सनाबिल में चलेंगे जुमे की नमाज़ के लिए। बाहर में बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही है। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ मस्जिद उमर इब्ने खताब सनाबिल, ठीक पीछे वाले रास्ते की तरफ से, और मेन जो रास्ता आगे की ओर पीछे के साइड से मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेरा जो रास्ता नज़दीक पड़ता है पीछे वाली साइड से, तो मैं पीछे वाली साइड से जा रहा हूँ। और यहाँ पर बरसात की वजह से देख सकते हैं कितना ज़्यादा घास बड़े बड़े हो चुके हैं और धूप भी है और यहाँ पर हवा भी चल रही, तो काफ़ी सही है। नहीं तो अंदर वाली गली में तो बहुत ज़्यादा तेज़ धूप और गर्म बहुत है। वैसे यहाँ पर खुला जगह है तो बहुत शानदार हवा चल रही है, तो यहाँ पर बहुत सही लग रहा है। तो अभी चलते हैं, अजान हो चुकी है। तो दोस्तों अजान हो चुकी है और अभी चलते हैं नमाज पढ़ते हैं। और अभी ये जो ये आवाज़ सुनाई दे रही है यहाँ पर बकरीद से हो रही है, तो यहाँ पर हम आपको काफ़ी दिनों बाद लेकर आए हैं। बकरीद के दिन आपको यहाँ पर ब्लॉग बनाकर दिखाए थे, बकरीद की नमाज़ यहीं पढ़े थे इसी मस्जिद में, बारिश हो गई थी। और बकरीद के दूसरे दिन जो जुमे के दिन थी, तो यहाँ पर हम आपको दिखाए थे। तो काफ़ी दिन हो चुका है, आप इस ब्लॉग को पूरा देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। तो अभी चलते हैं नमाज पढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं जामिया, और अभी तो वैसे जामिया बंद चल रहा है, छुट्टी का सीजन चल रहा है, अगस्त से क्लासेस होगी, लेकिन अभी चलते हैं जामिया और जामिया चलकर आपको भी दिखाते हैं छुट्टी के दिनों में क्या माहौल है जामिया का। तो चलते हैं जामिया। तो मैं जामिया में आ चुका हूँ और जामिया की खूबसूरती बरसात के दिनों में बहुत ही ज़बरदस्त होती है। और हामिद बोल रहा है ये रोड बनाया क्या, बिल्कुल ये रोड नया बन चुका है, जिस रोड से लोग पार हो रहे हैं। तो काफ़ी शानदार जामिया हो रहा है, आप देख सकते हैं काफ़ी हरियाली। और मेरा आईडी हामिद है ना, आगे में नहीं एंट्री दे रहा, एंट्री देने का तरीका होता है ये सब, तो एंट्री मिल चुका है। वैसे बोलता है कि स्टिकर लाएं, तो वो लाएं तब आप अंदर जाएं जाएंगे, लेकिन अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं। और ऑडिटोरियम साइड जा रहे हैं हम लोग, बाकी आगे में जामुन का पेड़ है। हम इजाद है तुमको जामुन का पेड़ आगे में, ये जो दिख रहा पेड़ है 2018 में अगस्त में हम और सरफराज जब थे ना यहाँ पर से जाम थोड़े थे इस वाले में, ऊपर देखो यही। हाँ हम सर, हाँ इसमें अगस्त में आता है ना, इस सब जगह पे जब ख़त्म होता है तब यहाँ पर आएगा। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं क्या माहौल हो रहा, काफ़ी शानदार। बाकी आप हम आपको अभी हम आपको सेंचुरी गेट दिखाते हैं, ये चेक करें वो भाई क्या शानदार हो रहा। दोस्तों ये आपको पीछे में दिख रहा होगा सेंचुरी गेट, मैंने पहले भी आपको दिखा रखा है, लेकिन अभी ख़ास बात यह है कि इस पर सेंचुरी गेट जामिया मिलिया इस्लामिया और जामिया का लोगो भी लग चुका है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं। तो ये दो गुंबद वाली गेट है और ठीक इसके पीछे मेट्रो भी पार होती है, आप देख सकते हैं पार भी हो रही है। अभी ऐसे वक्त में मैं ब्लॉग स्टार्ट यहाँ पर किया कि पार भी हो रही है। और इसमें तीन दरवाजे हैं, एक सबसे बड़ा और दो साइड से छोटा छोटा, और दो गुम्बद भी है। और आप ये चेक करें सेंचुरी गेट जामिया मिलिया इस्लामिया दोनों साइड में लोगो, काफ़ी खूबसूरत गेट है और बनने में लगभग 2 साल से भी ज़्यादा वक्त लगा है। और बाकी में आप चेक बीच में आप चेक करें यहाँ पर, तो यहाँ पर फव्वारे भी हैं, अभी वैसे स्टार्ट नहीं हुआ, जब स्टार्ट होगा तो हम आपको वो भी दिखाएंगे। और ख़ास बात ये भी है कि जामिया में कॉन्वोकेशन होने वाला है, मतलब
जो 19 में पास आउट हुए हैं तो सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। तो यहाँ पर साफ़ सफाई का काम भी हो रहा है और अंदर का जो ऑडिटोरियम में जो सीटें थे वो भी चेंज हो गया। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइटें वाइटें लगी हुई है, वो भी जल नहीं रहे, जैसे जलेंगी हो सकता है आज ना जल कर किसी और दिन भी जले, मतलब संडे को होने वाली है तो संडे में यहाँ पर आना हुआ तो वो भी दिखाएंगे आपको हम। बाकी यहाँ पर अभी आजकल लोग फ़ोटो ले रहे हैं, जैसे यहाँ पर भाई ले रहा फ़ोटो, ये चेक करें, हर कोई आ रहा है यहाँ पर तो फ़ोटो ले रहा, क्योंकि ये काफ़ी यूनिक गेट बना हुआ है जामिया का और ख़ूबसूरत भी है। आपको कैसा लगता है ज़रूर हमें कमेंट कर बताएं। तो दोस्तों मैं पहली बार बाइक चला रहा हूँ कसम से, तो शुरू में तो डर लग रहा था, अभी ट्राई इससे पहले मैंने किया था और अभी हामिद ब्लॉग बना रहा है मेरा। हामिद पहली बार, तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है और क्योंकि मैं इससे पहले स्कूटी चला रखा है तो ज़्यादा समझ में दिक्कत नहीं हुआ। इसमें गियर का खेल है, आप गियर समझ गए तो आप चला लेंगे, कुछ भी नहीं, जैसे स्कूटी चलती है वैसे ही है, सिर्फ गियर समझना है। बाकी हम बहुत मज़े से चला रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है वैसे। और हामिद बोल रहा है बस 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 बस, अरे भाई बहुत मज़ा आ गया भाई। और इसमें क्या है कि अभी हमें न्यूट्रल करके हामिद को देना है, तो हम आगे की ओर गियर चेंज कर लेंगे, एक पहला गियर पर चल रहा था और दूसरा कर लेंगे तो बहुत इजी है यार, सीख लिया हामिद, क्या बोलते हो? कुछ नहीं है तो बहुत मजा आया, पता लग गया सब खेल क्या है। हाँ, गियर का खेल है सारा कुछ, अभी हम जैसे स्कूटी चलता है वैसे बाइक चलता है, बहुत ही जबरदस्त, चलाते चलाते ऑटोमेटिक हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मजा आया। तो दोस्तों अभी मैं हूँ मस्जिद उमर इब्ने खताब सनाबिल में, यहाँ पर मगरिब का नमाज पढ़ने आए थे, जामिया से आकर यहीं आ गए थे और मगरिब का नमाज हो चुकी है। काफ़ी प्यारा लुक पीछे में आ रहा है और आसमान भी बहुत साफ़ हो रहा है। और अभी चलते हैं घर और इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं। ये आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट कर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और पीछे में मदरसा आपको दिख रहा है, बहुत ही शानदार मदरसा है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।